नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं नरेगा पेमेंट कैसे चेक करें अपने मोबाइल से, क्योंकि नरेगा का जो पैसा आता है वो हमारे अकाउंट में आता है और उसको आने में कई दिन लग जाते हैं काम करने के बाद में। तो वर्कर लोग जो है इधर उधर दौड़ धूप करते हैं अपना पैसा चेक करने के लिए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही अपना नरेगा का पैसा चेक कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर का कर सकते हैं, किसी का भी आप पैसा जो है चेक कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही अपडेट आपको भविष्य में मिलते रहें। तो नरेगा का पैसा कैसे चेक करना है उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। नरेगा का पैसा चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और क्रोम ब्राउज़र को जो है खोल करके आपको टाइप करना है एम जी नरेगा लिख करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी narega.nic.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने महात्मा गांधी नरेगा योजना की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो नरेगा की वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ आपको कोरोना का एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस करके ये जो है नोटिफिकेशन हट जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा राइट एंड की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे आपको जॉब कार्ड नज़र आएगा। तो मैं दिखा देता हूँ जॉब कार्ड, ये आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क भी कर देता हूँ इसको। तो जॉब कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जॉब कार्ड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, अभी खुला नहीं है। इसके बाद में आपको अपना स्टेट चुन लेना है, जो भी आपका राज्य है वो आपको चुन लेना है। तो मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ से चुन लिया है। उत्तर प्रदेश चुनने के बाद में यहाँ आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, ये खुल रहा है अभी। तो देखिए ये यहाँ पे दूसरा पेज जो है ओपन हो गया है और यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर चुन लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2021-22 चुन लिया है। इसके बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। तो अभी डिस्ट्रिक्ट आया नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे हम। वेट करने के बाद में आपको देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ गया है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। तो मैंने आगरा चुन लिया है। इसके बाद में थोड़ा आप वेट करेंगे 30 सेकंड 20 सेकंड, तो यहाँ आपको ब्लॉक चुन लेना है। तो अभी ब्लॉक आया नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखिए अभी ब्लॉक आने में ही है, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अभी ब्लॉक आ चुका है, देखिए। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉक चुन लिया फतेहपुर सीकरी। इसके बाद में आपको पंचायत सेलेक्ट करनी है, तो पंचायत यानी हर बार आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा गैप देने के बाद ही जो है ऑप्शन खुल के आता है। तो यहाँ पे पंचायत में चुन लेता हूँ, मैंने अपनी पंचायत भोपुर चुन ली है। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में ये जो है पेज थोड़ा सा सर्वर की वजह से नहीं दिखा रहा है, तो इसको 2-3 बार रिफ्रेश कर देना है, तो ये खुल जाएगा। तो मैं इसको 2-3 बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो 2-3 बार रिफ्रेश करने के बाद में 2-3 बार आपको रिफ्रेश करना है, तो आपके सामने तुम्हारे गांव की जो लिस्ट है नरेगा जॉब कार्ड की, वो सारी लिस्ट जो है आपको नज़र आ जाएगी। तो इस लिस्ट में से आपको अपना नाम जो है खोज लेना है। तो जैसे मैं अपना नाम इसमें खोज लेता हूँ, जो भी नाम है, तो मैंने नाम खोज लिया है। तो आपके नाम के सामने जो नीले अक्षर में कार्ड संख्या, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके जॉब कार्ड की पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये हो चुकी है, फिर आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है और करिए आप, और लास्ट में आपको यहाँ पे एक पेज नज़र आएगा, यहाँ पे आपके कार्य की जो है डेट होगी और उसके सामने पेमेंट होगा, और यहाँ पे एक कॉलम है ड्यू पेमेंट का। तो यहाँ पे देखिए आप जो जितना पेमेंट आपका ड्यू है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ड्यू पेमेंट 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पे वर्क पेमेंट दिखा रहा है 1400 रुपये, ड्यू 0 है, या इसके नीचे 1400 रुपये, ड्यू 0 है। यानी जिस कार्य का आपका पेमेंट अगर ड्यू रह जाएगा यानी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे आपको ड्यू पेमेंट में आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर या प्रिंट आउट निकलवा के आप जो है ग्राम प्रधान को दे सकते हैं कि भाई मेरा पेमेंट जो है ड्यू दिखा रहा है, मेरा पेमेंट नहीं आया है। तो देखिए इस पेज में आपको डेट दिख जाएंगी और जहाँ पे आपने कार्य किया है वो कार्य दिख जाएगा और उसके सामने पेमेंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे सारे पेमेंट ड्यू हैं। तो इस तरह आप अपने नरेगा का ड्यू पेमेंट देख सकते हो। अगर आपका पेमेंट ड्यू रहता है तो आप इसकी प्रिंट निकलवा लो और ग्राम प्रधान को दे सकते हो कि मेरा पेमेंट ड्यू दिखा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि ऐसे ही अपडेट आपको भविष्य में मिलते रहें। फिर मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।